हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज गाइस, जो कनाडा टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कैनेडा स्टडी वीजा, विजिटर वीजा या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं और वहां पर या तो घूमना चाहते हैं या वहां पर सेटल होना चाहते हैं। हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लोग आते हैं कि हमने विजिटर वीज़ा लगवाना है या टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है और वहां जाके सेटल होना है। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन का ड्रीम होता है कनाडा में जॉब करने का और वहां पर सेटल होने का। सबसे इजीएस्ट वे अगर कनाडा किसने जाना है तो वो है विजिटर, एज ए विजिटर या एज ए टूरिस्ट वीज़ा लेके। अब जाना कैसे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो मिसगाइड होते हैं मार्केट में। बहुत से र्यूमर्स हैं, बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी के एलिगेट नहीं करना चाहता है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लोगों का प्रोफाइल खराब हो जाता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में या डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के चक्कर में उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है और वो कनाडा जा नहीं सकते और वहाँ घूम नहीं सकते या वहाँ पर काम नहीं कर सकते। जैसा आप सबको पता है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसने हर एक विजिटर को, टूरिस्ट को एक प्रिविलेज दिया है कि अगर वो वहां पर जॉब सर्च करके जॉब उस अरेंज करता है तो अपने विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा को वो वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा चाहिए कनाडा पहुंचने के लिए। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको पता है कि पासपोर्ट, एक वैलिड पासपोर्ट शुड बी देयर, उसके बायो पेजेस, या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी और कंट्री में वो अगर हो तो वेल एंड गुड। साथ ही अगर आपके पास कोई जॉब कर रहा है तो जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर्स चाहिए। लीव सेंक्शन लेटर अगर आपके पास हो दैट वुड बी बेटर। लीव सेंक्शन लेटर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माना गया है, आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जॉब करते हैं तो वहां से उस पर्टिकुलर टाइम का मिनिमम हम 15-20 डेज का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। जो पर्टिकुलर टाइम हम शो करते हैं कि मैं इस दिन, जो कैंडिडेट है कि इस दिन यहां से सपोज नेक्स्ट मंथ जा रहा हूं, तो फर्स्ट से 20th या फर्स्ट से 15th तक का वो पूरा शेड्यूल बनता है, जिसको आइटनरी बोलते हैं, वो बनता है कि पर एवरी डे वो कहां कहां वहां पर घूमेगा, वहां पर वो विजिट करेगा डिफरेंट प्लेसेस को। वो 15-20 डेज का लीव सेंक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर से। आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स, आपकी अगर सैलरी जो है अकाउंट में आ रही है तो सैलरी के अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की हमें चाहिए। जो आपके सैलरी स्लिप्स हैं तो सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए मिनिमम 3-4 मंथ्स की। कई बार कुछ एम्प्लॉयर जो है सैलरी स्लिप नहीं देते, आपके अकाउंट स्टेटमेंट ही तो उसमें चल पड़ती है जिसमें अकाउंट में सैलरी आपकी आती है, क्योंकि सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट बोलते हैं, तो वो आपका होना चाहिए। अगर कोई जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वीजा आने के चांसेस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। उनको अपने डिपार्टमेंट से लीव सेंक्शन लेटर या फिर उनको एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेना होता है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, ये हो गया आपका अपॉन एम्प्लॉयर्स को लेकर। अगर कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स जैसे बिजनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, लास्ट 2 मंथ्स की बैलेंस शीट उसने उसके पास होनी चाहिए, या फिर उसका इनकम टैक्स रिटर्न्स जो बिजनेस की वो साथ में होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम ज़्यादा लगाएंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उससे वीजा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ अगर बात करूं तो आपका डेली आइटनरी बनता है। मैंने पीछे बताया आपको कि जितने भी आपका टाइम पीरियड होता है, जितने दिन आपने वहां रहना है, उस पर्टिकुलर डेज के, उन पर्टिकुलर डेज के आपका पर डे का शेड्यूल बनता है कि आप इस दिन यहां घूमोगे, इस जगह विजिट करोगे, इस जगह रहेंगे, इस जगह इस दिन रेस्ट करेंगे, इस होटल में हम रुकेंगे, या किसी को विजिट कर रहे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और जैसे विजिट, अगर विजिट की बात है तो आप किसी किसको विजिट करने जा रहे हैं, वहां से एक स्पॉन्सर लेटर भी आपका हो तो दैट वुड बी वेल एंड गुड।
ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर लेटर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर अगर वहां पे है, कई बार होता है हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारा किसी पेरेंट्स के बच्चे वहां होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स वहां होते हैं या कजन होता है, तो वहां से वो लेटर स्पॉन्सर ले सकते हैं कि हम उनके पास विजिट करने जा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड का। अब उनके भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जो जो आपको स्पॉन्सर लेटर दे रहा है, अकेले स्पॉन्सर लेटर से काम नहीं चलता, उनका भी वो पीआर कार्ड चाहिए हमें, उसके बाद उनका बैलेंस स्टेटमेंट चाहिए, उसमें सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि अगर उनको आप विजिट कर रहे हैं तो उनके पास भी सफिशिएंट फंड है आपको वहां रुकवाने के लिए। आपके अकाउंट में तो फंड्स चाहिए, उनके अकाउंट पास भी उनका फंड्स हमें दिखाना होता है, उनका जो एड्रेस प्रूफ है, रेजिडेंशियल प्रूफ, वो भी चाहिए होता है, जैसे रेंट डीड, इस तरह के डॉक्यूमेंट हमें वहां पर चाहिए होता है। अब बात करते हैं उनको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है कोई पर्सन तो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है। यहाँ पर आपका अगर डॉक्यूमेंट और जब रिक्वायरमेंट है तो इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके लास्ट 2 ईयर्स की हमें चाहिए होती हैं। आपके अकाउंट में जो है फंड्स शुड बी देयर। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वो बहुत कम फंड्स लगवा के अपना वीजा रिफ्यूज करके आ जाते हैं। सी माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो कितना फंड्स हम दिखा सकते हैं। कनाडा में आपने आजकल रफली सुना होगा कि वन साइड की जो टिकट है, एयर टिकट, वो भी 1,20,000 मिनिमम, जो अगर हम हॉल्ट करके कहीं जाते हैं किसी कंट्री में, हमारे टू स्टेज होते हैं तो वो भी 120-130 के करीब पड़ती है। डायरेक्ट फ्लाइट जो है आपकी 170 के करीब एवरेज कॉस्ट है, अगर आप 1.5 महीने के बाद की करवाते हैं तो। अगर आप 2 टाइम आना जाना टू एंड फ्रो हो गया तो आप 3 लाख के करीब तो आपको एयर टिकट ही के लिए ही चाहिए। वहां पर अगर आप किसी के घर नहीं रुक रहे हैं तो आपको होटल स्टे का जो चार्जेस हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, तो मिनिमम 1 लाख वो लेके चलिए। 4 लाख तो आपके पास माय डियर फ्रेंड्स ये ही चाहिए होता है, और उसके बाद आपने वहां घूमना है, टाइम स्पेंड करना है, आप घूमने जा रहे हो वहां कॉस्ट भी करना है, खर्चा रहेगा, शॉपिंग करना है, तो जितना ज्यादा फंड आपके पास होगा उतने ही आपके वीजा आने के चांसेस होते हैं। हमारे पास बहुत से रिफ्यूजल्स केसेस आते हैं, हम उनको मना कर देते हैं कि आपका, पहले आते ही हम ये पूछते हैं कि कितने फंड्स लगाए थे, आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लेते हैं, तो जब हम देखते हैं तो 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख उन्होंने फंड्स लगाए होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 4 लाख तो आपका टिकट और जो स्टे है उसके ही चार्जेस हो जाते हैं। तो आपको मैं एडवाइस करता हूं, जिसने भी कनाडा स्टडी टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना है या विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आपके फंड्स मिनिमम 8-10 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि 10 लाख से ऊपर होंगे तो आपके वीजा आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। हमारे जो वीजा निकल के आते हैं विजिटर वीजा, जो हम 10 लाख से ऊपर या 15 लाख उनके फंड्स लगाते हैं, उनके ही वीजा अप्रूव होके आते हैं। अगर कम फंड्स लगाते हैं तो वो वीजाज में उनके प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आप इंश्योर करें कि आपके अकाउंट में जितना ज्यादा फंड होगा उतने ही वीजा आने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरे, अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, जैसे होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो विजिट करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो आपको उनका पीपीओ पेमेंट पेंशन ऑर्डर लगाना मैंडेटरी है। उससे पता लगता है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो आपके उनके पास फंड्स हैं वो तो लगवाने ही हैं, पर पेमेंट पेंशन ऑर्डर भी मैंडेटरी है उनका। अब बात दूसरे, अगर कोई लैंड आपके पास या कोई हाउस आपके नाम है जो अप्लीकेंट है, तो उस अप्लीकेंट को उस लैंड की रजिस्ट्री लगा सकते हैं या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री लगा सकते हैं। उससे उनको एक शक नहीं होता कि आप वहां जाके अपनी होम कंट्री वापस नहीं आओगे, तो उससे उनको लगता है कि नहीं, ही हैज एसेट्स हियर इन इंडिया या इन होम कंट्री, तो उससे जो है उनका वापस आने का जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, उनको भी लगता है, और उससे जो है आपका वीजा अप्रूव इजीली हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उस कवरिंग लेटर को एक प्रोफेशनल से लिखवाइए, कभी अपने आप उसको राइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्लेगरिज्म और कॉपिंग में आपका केस फंस सकता है। जितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया हो, कितना बढ़िया प्रोफाइल आपने
लगाया हो वो प्रोफाइल सारा खराब हो सकता है। आपको एक अच्छा प्रोफेशनल, एक कंटेंट राइटर ढूंढिए और उस कंटेंट राइटर से अपना जो कवरिंग लेटर है वो लिखवाइए, उससे आपका वीजा आराम से निकल सकता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनसे आपका वीजा अप्रूव होकर आ सकता है। आई होप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइज, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।